स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे आईटी पास स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी में ये विभाग का नाम है गार्डन गार्डन रीच सिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। इस वैकेंसी की फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, आपका पैसा कितने लगने वाला है, सिलेक्शन क्या प्रोसेस किया है, कौन कौन से ट्रेड पर अप्लाई कर सकते हैं, पूरी ए टू जेड जानकारी आपको मैं दे दूंगा। आप लोग चैनल पे अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जैसे जैसे वैकेंसी निकलती जाती है तत्काल आपको तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कि फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट दोस्तों क्या रखी गई है। यहाँ पे फॉर्म भरने की ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 20 जनवरी 2024 से 10 बजे से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा और क्लोजिंग डेट की बात करें, क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 19 फरवरी 2024 से क्लोज कर दिया जाएगा। यानी 20 जनवरी से फॉर्म भराना चालू हो गया है, 19 फरवरी को आपको रात को 12 बजे तक फॉर्म भराएगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। अब इसमें से एक और आगे देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल की बात किया जाए। इसमें वैकेंसी डिटेल में अपन देखते हैं तो यहाँ पे ट्रेड दिया गया है, टोटल सीट की बताया गया है, जनरल वाले स्टूडेंट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया गया है फिटर वाले स्टूडेंट के लिए। यदि आप फिटर से आईटीआई कंप्लीट किए हो तो आपके लिए 5 पोस्ट वैकेंसी निकाला गया, जिसमें से जनरल की 2 पोस्ट, एससी की 1 पोस्ट, ओबीसी की 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, यदि आपने 10th पास कर लिया है, साथ में आपके पास एनएससी है, एनएससी का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। यदि आप 10th के साथ साथ एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यदि आपके पास यानी आईटीआई है तो आप भर सकते हो। फिटर फैब्रिकेशन वाले, सीट मेटल वर्क, फिटर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हो। यानी यदि आपके पास 10th और अप्रेंटिसशिप है तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हो, यदि 10th और आईटीआई है फिटर ट्रेड से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फिर से फिटर की वैकेंसी दिखा रहा है, यहाँ पे 4 पोस्ट है, 2 पोस्ट जनरल की, एससी की 1 पोस्ट, ओबीसी की 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की खाली है, एसटी की खाली है। यहाँ पे 10th मांगा गया है, 10th के साथ साथ एनएससी, मैं सबको बोलते जाता हूँ कि आईटीआई के साथ बार अप्रेंटिसशिप जरूर कर देना, हर वैकेंसी में आजकल अप्रेंटिसशिप मांगता है। एनएससी का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, एनटीसी का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। जब आप आईटीआई पास कर लेते हो तो आपको एनटीसी मिलती है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। जब आप आईटीआई पास करके अप्रेंटिस क्लियर कर लेते हो तो आपको एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिल जाता है। यहाँ पे फिटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बैकबोन फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं जिसको बोलते हैं, या मैम पीएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वेल्डर की निकाली गई, वेल्डर की टोटल 5 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज देखा जाए जनरल की 2 पोस्ट, एससी की 1 पोस्ट, एसटी की 1 पोस्ट, ओबीसी की 1 पोस्ट। यहाँ पर भी 10th के साथ साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप है या आईटीआई में वेल्डर ट्रेड से आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इसी के साथ साथ क्रेन ऑपरेटर की निकाली गई है, जिसमें से टोटल 5 पोस्ट है, 2 पोस्ट जनरल के, 1 पोस्ट, 1 पोस्ट एससी के, ओबीसी की 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे 10वीं पास के साथ अप्रेंटिसशिप किए हैं और यदि आपके साथ पास आईटीआई भी है तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, फिर टोटल 5 पोस्ट निकाली गई है। मशीन ऑपरेटर के लिए हमें वैकेंसी टोटल 4 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर आपको मेल राइटिंग मैकेनिक के लिए यहाँ पे निकाला गया है, मेल राइटिंग ट्रेड से आप आईटीआई किए हो या अप्रेंटिसशिप किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी मशीनिस्ट वाले के लिए निकाला गया है, मशीनिस्ट ट्रेड हो या टर्नर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ग्राइंडर हो आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास आईटीआई प्लस अप्रेंटिस दो में से कोई एक है तो आप कर सकते हो। फिर पाइप फिटर की बात किया जाए, पाइप फिटर ट्रेड से यदि आपके पास आईटीआई अप्रेंटिस अप्लाई कर सकते हो। रिगलर के लिए निकाला गया है, यदि आपके पास टोटल 5 पोस्ट है, पाइप फिटर की 7 पोस्ट है, यानी इस तरह से वैकेंसी का ब्यौरा पूरा दिया गया है। तो आप लोग यदि इन ट्रेडों में से आईटीआई या अप्रेंटिस किए हो तो अप्लाई कर लेना। अब आगे यदि देखा जाए ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग, यानी मटेरियल हैंडलिंग के लिए निकाला गया है, टोटल 2 पोस्ट है, मटेरियल हैंडलिंग के लिए टोटल 2 पोस्ट है, वैकेंसी निकाली गई है।
यहाँ पर आपके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए दो पोस्ट निकाले गए हैं, आपके पास अप्रेंटिस आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, डीजल मैकेनिक से आईटीआई होनी चाहिए या अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। टोटल 7 पोस्ट है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखा जाए 50 पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो ये पूरा ब्यौरा था जो 50 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से सभी अलग अलग ट्रेड के लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेट एक बार फिर से देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 20 जनवरी से रखा गया है। ऑनलाइन डेट क्लोजिंग के लिए देखा जाए, यानी हमारा डेट कब बंद हो जाएगा फॉर्म भरने का, 19 जनवरी को बंद हो जाएगा। आप अपनी रिसीप्ट ऑफ हॉट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सेंड बाय कैंडिडेट अलोंग विद सर्टिफिकेट सारी आपको 24 फरवरी के पहले पहले आपको सेंड कर देना है। मैं आपको आगे एड्रेस बता दूंगा किस एड्रेस में आपको हार्ड कॉपी भेजना है, कुरियर के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के बॉक्स। आपका एडमिट कार्ड लेटर बताया, अभी कोई डेट नहीं दिया गया है। आपका रिटर्न टेस्ट कोलकाता रांची में होने वाला है, कोलकाता एंड रांची में दो में से एक जगह या दोनों जगह भी हो सकता है टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट आपका कॉल लेटर आएगा, उसके माध्यम से आपका वहां पे होगा। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं एज क्या रखी गई है। दोस्तों यहाँ पे एज की बात किया गया 26 साल मैक्सिमम एज 26 साल है, जिसमें से आपको छूट दिया जाए ओबीसी वालों को 3 साल, एसटी एससी के लिए 5 साल तो छूट दिया जा रहा है। इस तरह से पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी एनसीएल के लिए ओबीसी के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी के लिए 15 साल, एसटी के लिए 15 साल पे छूट दिया गया है। यदि यहाँ पे स्टाइपेंड यानी सैलरी की बात किया जाए तो आपको फर्स्ट ईयर 24,000 रुपए पर मंथ रहेगी, यहाँ पे फर्स्ट मंथ के दिया है, सेकंड मंथ के लिए 26,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। देखा जाए सैलरी कुछ ठीक ठाक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो सिलेक्शन आपका पेपर होगा। पेपर कैसे होगा, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट रिटन ओएमआर आंसर शीट के माध्यम से आपका पेपर होने वाला है, यानी ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर शीट में होगा। कहां पे होगा, कोलकाता एंड रांची में आपका पेपर होने वाला है। ये सीवीटी पेपर नहीं होगा, कंप्यूटर में पेपर किसी भी प्रकार का नहीं, ओएमआर शीट में आपका यहां पे पेपर होगा। पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, पैटर्न ऑफ टेस्ट अपन देख लेते हैं कि आपको पेपर में क्या क्या दिया जाएगा। पेपर में आपको सबसे पहले पार्ट ए रहेगा, पार्ट बी, दो पार्ट में पेपर होने वाला है। पार्ट ए में आपको सब्जेक्ट ट्रेड से रहेगा, जिसमें से 80 क्वेश्चन आएंगे, और जो पार्ट बी रहेगा आपको जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मटेरियल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें से 20 नंबर का रहेगा, यानी आपके ट्रेड से 80 क्वेश्चन आएंगे। नॉन ट्रेड जिसको बोलते हैं नॉन टेक्निकल, 20 नंबर के आएंगे, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर यहाँ पे रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 50% है, जिसमें से जनरल के लिए 45%, ओबीसी के लिए और एसटी एससी के लिए 40% आपका यहाँ पे परसेंटेज रहेगा पास होने के लिए। पेपर की टाइमिंग यदि देखा जाए तो पेपर की टाइमिंग 2 घंटे की रहने वाली है, पेपर की टाइमिंग 2 घंटे की रहेगी। आपका क्वेश्चन पेपर टाइप रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे सारे, आपको सेलेक्ट करना है मल्टीपल। फिर इसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट भी होगा, दो पेपर हुए, एक रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट आपको क्वालिफाइड जब हो जाएगा तब आपको बुलाया जाएगा, प्रैक्टिकल टेस्ट छोटे मोटे वहां पे हो जाएंगे। फिर इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको हार्ड कॉपी भी फॉर्म भेजना है, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है जिनके माध्यम से आप एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको जो हार्ड कॉपी है तो यहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन और पोस्ट बॉक्स नंबर ही है, इस वाले एड्रेस में आपको भेजना है क्या अपना ये हार्ड कॉपी। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन वेयर स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कास्ट कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ पीटीसी नीड टू बी अपलोडेड। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ ऑटो जनरेट फिल इन एप्लीकेशन फॉर्मेट प्रिंट आउट सिग्नेचर एंड डिग्निशन। आपको ये सारी चीज भेजना है, सारे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के साथ जो आप फॉर्म भरे फॉर्म को जो प्रिंट आउट निकला है वो, कुछ डिग्निशन लेके भेजना है, दो चार लाइन जो भी वहां पे रहेगा वो इसी वाले एड्रेस पे आपको भेजना है, यहाँ पे पोस्ट करना है। ठीक, एप्लीकेशन एंड फीस की बात करें, एप्लीकेशन फीस आपको रहने वाली 472 रुपए, और एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एग्जाम्पल फॉर पेमेंट फॉर एप्लीकेशन फीस, ये आपकी फीस रहने वाली है फॉर्म भरने के लिए।
और आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए हमें वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट को टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर जगह दे दूंगा, आप चाहते हैं अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें से ध्यान ये रखना है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, वो MRC में पेपर होगा, तो आपको सबसे ज्यादा थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी के ही सबसे ज्यादा आपको पढ़ाई ही करना है। तो आप लोग को ये वैकेंसी भरना है कि नहीं भरना, क्वालिफिकेशन देख लिए हो, अप्रेंटिसशिप ITI वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ डिटेल यदि आपको मिलती है मेरे मिलते हैं मैं आपको बता दूंगा। आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जैसे ही नेक्स्ट वैकेंसी आती है मैं आपको तुरंत बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जय हिंद जय भारत।